राजधानी पटना से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ इंस्टाग्राम पर ट्रांसजेंडर से प्यार के बाद शादी करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। युवक ने परिवार की रजामंदी नहीं होने के बावजूद एक ट्रांसजेंडर से शादी रचा ली और अब परिवार वाले अपनी किन्नर बहू से दहेज के तौर पर 60 लाख रुपए मांग रहे हैं। युवक के परिवार वालों ने न सिर्फ दोनों के साथ मारपीट की बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पटना के रहने वाले रवि कुमार की दोस्ती 2 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए दरभंगा की रहने वाली ट्रांसजेंडर अद्विका चौधरी से हुई थी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। रवि कुमार ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में सुपरवाइजर हैं। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और साल 2022 में दोनों ने शादी कर ली। रवि के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे और शादी में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद जब रवि अद्विका को लेकर अपने घर पटना के आर्य समाज मंदिर रोड पहुंचा तो दोनों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सोमवार को दोनों पति पत्नी ने दानापुर थाने में लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। रवि ने अपने पिता सत्येंद्र सिंह, माँ और बड़े भाई धनंजय सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। रवि ने आरोप लगाया है कि उसके माता पिता और परिवार के लोग उसकी किन्नर पत्नी अद्विका चौधरी से 60 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई है। मैं दरभंगा बिहार की रहने वाली हूँ। मैं एक ट्रांस महिला हूँ। मेरा नाम अद्विका चौधरी है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं जहाँ पे मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी यौन शोषण करने की धमकी दी जा रही है और हम लोग को दारू में फंसाने की भी धमकियाँ दी जा रही है। तो हम लोग घर जा रहे हैं। अब हमारी रक्षा आप लोग की है, आप लोग की ही कर सकते क्योंकि समाज ही समाज की धमकी देते। तो हम आप ही समाज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें न्याय दिलाइए, हमें आपकी सहयोग की बहुत ज़रूरत है। कब शादी हुई थी? 25 जून 2023। नहीं कर रहे। पहले हमें जाती थी, ससुराल बातें भी होती थी, सब कुछ होती थी जब शादी नहीं हुई थी। और शादी के दिन भी बोले आओ आओ सब कुछ आओ, शादी कंडक्ट करवाएं, हम लोग करवाएं, फिर आने के टाइम वो लोग नहीं आए। और अब पैसे की 60 लाख रुपए की डिमांड हो रही है। हम लोग सोचे कि चलो कुछ पैसे देते हैं, उसी घर में रहना तो हमको भी, बट हम 60 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे।